اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ رب بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، سبحان اللہ، اور آپ پر بھیجتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت آپ کو عطا کی ہو اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو نہ ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو انعام عطا فرماتا ہے، پھر آپ کے صدقے ہمیں بھی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ درود رب اور اس کے فرشتے آپ پر بھیجتے ہیں، تو ہم ہمارا کیا بنے گا؟ تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، محبوب ان کو پیغام تمہارا نہیں لا کا بے بی
ने फरमाया
जहल को इतराज होता? अबू जहल का कि नहीं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया होगा कि मैं बीमार किस्म किया हूं, तभी तो अबू जहल को तकलीफ थी। उसने कहा रातों रात गया? फरमाया हां। उसने कहा आप ही गया? सरकार ने फरमाया हां, बल्कि मैं तो आसमानों की सैर भी करके आया। निकल लो कर लो तफसीर उल बयान में लिखा लोग तालियां मार देते, ये कैसा माजल्ला, कैसी बात है, मजाक उड़ाते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात बता दी, अब उधर लोगों को बताते हुए ये बात बताते लोग आया सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरवाजे पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने के लिए। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु दरवाजा खोला तो ये कहने लगा अबू बकर यार एक बात पूछनी है। आपने फरमाया क्या? उसने कहा कि मुझे एक बात बताओ, उनके शाम बंदा जाए और फिर एक ही रात में वापस आ जाए, ऐसा हो सकता है? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया नहीं हो सकता, क्योंकि अकल का तराजू इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता, अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं करती कि कोई रातों रात जाए और होकर वापस आ जाए। हमें तो महीनों लग जाते हैं, तो फिर ये कौन है जो रातों रात होके आ गया? सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया ये नहीं हो सकता। उसने कहा होगा अबू जहल कि देख लो, जब मैं कहता था ना कि ये झूठ बोलता है तो तुम मेरी बात को यकीन नहीं करते थे, अब तुम खुद कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन तेरा यार यही बात कह रहा है, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बात कह रहे हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्ला यही कह रहे हैं। सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया सच, ठहर जा, दुनिया जहान का कोई शख्स ये दावा करे कि मैं रातों रात बैतुल मक़द्दस गया हूं होकर वापस आ गया हूं, हमारी अकल इस बात को तस्लीम नहीं करती, ये बात ठीक नहीं है। इनकाल लकद सरका, अगर यही बात मेरे महबूब ने कही तो मैं सच का। फरमाया अगर मेरे यार ने मेरे बहू ने यह बात कही तो उन्होंने सच कहा, क्यों?
बता सकता है। हाँ बात ज्यादा ऐसे होते हैं जो वहां जाके कह रहे हो उमरा कर क्या। अच्छा दसो भला खाना कहवा कितना ऊंचा था बेवकूफ, हम ये देखने गए थे कितना ऊंचा। तो मतलब बाहर लोग यूं भी पूछते हैं, है कोई सैर करने के लिए जाए तो मस्जिद के सुतून चेक नहीं करता। अब उन्होंने सवाल कैसा किया, सवाल उन्होंने ये किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वाकई तुमने बैतुल मक़द्दस को देखा है, अच्छा ये बताओ उसकी खिड़कियां कितनी, अच्छा ये बताइए उसके शतीर कितने, सुतून कितने। उनका ये सवाल करना बनता था, कोई और सवाल कर लेते, लेकिन उन्होंने सवाल किया। उन्होंने सवाल है सरकार ने नहीं देखा हो और बंदा देखता भी नहीं, लेकिन रब का ना कोई ईमान दोबारा नहीं कि मेरे महबूब से कोई पूछे और मेरा महबूब आगे से कहते मुझे नहीं पता। ये बात हिकमत की बिना पर अल्लाह ताला ने कहलवाया कई जगहों पे, वरना जब महबूब की शान और उस्मत को जाहिर करना था हिकमत नहीं थी तो रब ताला को यह गवारा ही नहीं हुआ कि मेरा महबूब इनसे कह रहा है कि बैतुल मक़द्दस से होकर आया और यहां से बकवास कर रहे हैं। कहता है अच्छा बताओ उसके शतीर कितने, उसके सुकून कितने, उसकी खिड़कियां कितनी, ये बताओ। रब ताला ने फरमाया जिब्रील मौला करीम हुक्म, रब ताला ने इरशाद फरमाया मेरे महबूब के सामने उठाकर बैतुल मक़द्दस सामने कर दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला ने मेरी आंखों के और बैतुल मक़द्दस के दरमियान जितने पर्दे थे सारे हटा दिए, फरमाया महबूब अब देखते जाओ जो तो ये पूछते जाए बताते जाओ। अच्छा मैंने जुम्मे में भी मिसाल दी, शरीके वाले शरीका करते हैं, शरीके वाले शरीका करते हैं, और इसके लिए मैंने मिसाल पेश की उस मां की जिसका बेटा बोर्ड में थर्ड पोजिशन हासिल करता है, वो मां मिठाई बांटती है। वो मां क्या करती है, मिठाई बांटती है। और जिनको जलन होती है ना, जिनको जलन होती है शरीके वाले, वो अम्मा आगे पता है कह रही होती है आप लोगों ने मेहनत बड़ी की है, मुंडे ने उन्ने नंबर नहीं लाए जिन्हें तुम रुपया लाए, इन्हें तुम रुपया लाए जिनने पहली पोजिशन नहीं लाई। वो तुम्हारे पैसों पर तुम्हारे रिसोर्स नहीं कर रही, बल्कि वो अपनी जलन का इजहार कर रही है, साड़ काट दी होती है अपना, भाई किसी तरीके से मुझे इसकी तारीफ न करनी पड़े। और जो मोहब्बत वाले होते हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी बात है, तीसरी पोजीशन है क्या बात है, अपने अपने अंदाज से लेते हैं लोग। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असमत के हवाले से भी बात बिल्कुल कन्फर्म है। कुछ लोग रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को लेकर सरकार की जान समझते हैं और कुछ लोग उसी में से अपने अंदाज की बातें निकालते हैं। अपने अपने मुकद्दर की बात होती है ना, हमारे मुकद्दर में जो है वो हम बयान कर रहे हैं, जो किसी सरकार का मुकाम मर्तबा हम खुश हो रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैतुल मक़द्दस उठा के कर दी गई, महबूब देख लीजिए और बता दीजिए। हम कहते सुभान अल्लाह, हम कहते माशाल्लाह, हम कहते मौलवी साहब क्या कहते, फिर पता तो नहीं थी ना, फिर वेख तो नहीं समझ सके भाई नबी वहां तक देख सकते होते, हाजिर नाजिर होते तो फिर करीब करने की जरूरत नहीं थी ना। मतलब वो अपनी जलन का इजहार कर रहे हैं, तुमने हदीस में से साबित कर दिया, और सब पता पता है इन्हें तो फिर भी साबित बता दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई, मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ाई, करते रहे यार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा ना पढ़ाए। इसमें भी अल्लाह ताला की हिकमत थी कि रब ने पहले मना नहीं किया, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ा दी। एक मौलवी साहब को अभी तक यही समझ नहीं आया कि इन मुनाफिक की नमाज जनाजा पढ़ना जायज नहीं है, वो भी उसी बात को लेकर ही चल रहा है। अल्लाह ताला ने मना भी करके महबूब को
اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی جہنم میں گرے ہوں گے، جہنمی جہنم میں گرے پڑے ہوں گے، اور میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر کے سفارش کا عزت لے کر جہنمیوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل ہوں گا۔ بخاری شریف کی کتاب تو ہی ہے، مطلب یہ ہے کہ رب نے فرمایا محمود آپ چاہیں گے اصا ایبا سکرب کا مقام محمود، محمود اگر آپ کہو گے تو جہنمی جہنم سے نکلے گی آپ کے اشارے پر۔ مولا اتنی مجید بات ہے، ایک طرف تو کہتا ہے 70 بار بھی بخشش کی دعا کرے میں نے بخشش نہیں کرنی، اور دوسری طرف تو کہتا ہے جہنمی جہنم میں پڑے ہوں گے ان کو بھی نکال دوں گا۔ تو جملہ نوٹ کیجیے، بات پہ غور کیجیے، مفہوم یہ ہے کہ رب تعالیٰ نے فرمایا محمود جو میرا گناہگار ہو، جو میرا گناہگار ہو زندگی بھر گناہ کرتا رہے لیکن وہ تیرے سے پیار رکھے، محبت رکھتا ہو، کلمہ پڑھتا ہو، محمود وہ جہنم کے اندر بھی ہوگا، تو چاہے گا اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا، لیکن جو تیرا گناہگار ہوگا وہ جہنم میں نہ بھی دیا ہو تو اس کے لیے 70 بار بھی استغفار کرے اس کی بخشش میں نے نہیں کرتی۔ سبحان اللہ، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ مولوی اس کا مطلب لگا نہیں جی، منافق کی نماز جنازہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ کرے کچھ تفسیروں کو مطالعہ ہو جائے، اللہ کرے ناسخ و منسوخ کو پتہ چل جائے اس مولوی صاحب کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام سرکار نے بتائی یہ چیزیں، اب شریکے والے کہتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی شریک ہے، وہ مولوی صاحب نا وہ لال و مال والی مرغی تو عرب شریف میں پھر رہا ہوتا ہے، صحیح بات، کبھی اس کو چھیڑ کبھی اس کو چھیڑ کبھی اس کو چھیڑ۔ وہ ہمارے ایک علامہ صاحب ہیں سری لنکا کے، علامہ احسان اقبال قاضی صاحب اللہ تعالیٰ لمبی عمر عطا فرمائے، تو عمرے پہ گئے ہوئے تو انہوں نے پوچھا یہ رال مال، میں نے بھی کئی مرتبہ سوال کیا نا، تو یہ رال مال کہتا یہ اسلامی نہیں، رولا ہی مکیا۔ میں نے جمعے میں پچھلے جمعے میں کیا تھا کہ آدھا تو اسلام کے اندر ہے اور وہ ننگے ہیں، یعنی کپڑے غیر اسلامی، رومال غیر اسلامی، ٹوپی غیر اسلامی، کوٹی غیر اسلامی، واچ جو ہے وہ غیر اسلامی، سارا کچھ غیر اسلامی، ننگے اسلام کے اندر، حالانکہ پورے پورے اسلام میں داخل ہونا چاہیے۔ شریکے والے شریکہ کرتے رہتے ہیں اور پیار کرنے والے پیار پیارتے رہتے ہیں۔ اب شریکے والے لا پھر اگر دیکھ سکتے ہوں دے تو پھر جناب میں نے دسو نا اتوں تک نگاہ کیوں نہیں گئی، کیسی بات، عقل میں تو لگتی ہے بس، لیکن ہم اکیلے اگر کوئی بات پڑی مانتے ہیں، یہ محبوب کی مرضی ہے، محبوب کی عنایت ہے، کبھی اس طرح توجہ نہ بھی ہو تو رب محبوب کی توجہ نہیں تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا جبریل پردے ہٹاؤ محبوب کی توجہ کرو، محبوب دیکھو نا تک لو، سارا سال 11 مہینے 11 مہینے 11 دن بچہ گھر میں لیٹا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، زور اثر ہوتا ہے سب کو بھی نہیں پڑھتا، باپ نے کبھی نہیں آ گیا، اے چڈیاں لا رہا تھا نا 11 ربیع الاول دلال، 11 ربیع الاول دلال میں چڈیاں لگا رہے ہیں، تو کئی باپے کہہ رہے ہیں نماز بھی کچھ پڑھی نہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بات کیا ہے کہ اس بابے کو ماں سے محبت نہیں ہے، بس جھنڈیوں کا ساڑ ہے، بس وہ نکال، اگر نماز سے محبت ہوتی تو 11 مہینے تنگ کرتا نا اس کو، وہ جھنڈیوں کا ساڑ نکال۔ تو آپ یہ توجہ کیا کریں کہ سرکار کی عظمت، سرکار کا پیار، سرکار کی محبت کو عام کریں۔ ہر ایک بندہ اپنے اپنے انداز سے بات کو لیتا ہے، آپ کسی نے آدھا گلاس دے دیا ہے پانی کا اور آپ کے پاس پانی نہیں تھا تو ایک پیار کرنے والا کہتا ہے یار ادھا گلاس پانی میں تیرے دیتا، ایک ہی کوڑی کی پانی دے ادھا گلاس دیتا، تو جیسا ساڑ کر رہا ہے تو ہی تو بہت سب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں، ہم کوئی کہے جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فلاں چیز کا نہیں پتا تھا نہ فلاں کا نہیں پتا تھا، ان کو ان باتوں کو چھوڑ دیئے، دیکھ سرکار کو پتا کس چیز کا پتا، پہلے وہ تو بیان کرنا، ان باتوں کو بھی سمجھا دیں گے آپ کو، سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو عام کیا جائے۔
कैसे मुमकिन है? मैं तो समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। तो मेरे प्यारे, अगर समझ में आ जाए तो फिर कोई ना किस बात, पहले मौजे की तारीफ ही पढ़ लो। मौजा कहते ही उसको है जिसको अकल ना माने। बहुत बड़ा बेवकूफ आदमी है, मौजा भी मानता है, बात बैठा हुआ समझाओ। अभी आज ऐलान हुआ था, लाइट जब 9 बजे 5 बजे ऐलान भी हो गया, ऐलान सुन लिया आप साहब ने, ऐलान करके हम साथ दे रहा हूं। आप साहब 4 में बैठे, बत्ती क्यों नहीं आ रही? आप साहब रात ऐलान किया 5 बजे आओ, ठीक है, पर बत्ती क्यों नहीं आ रही? भाई बेवकूफ आदमी है, कहता मुझे मुझे की तारीफ क्या है जी, जिसको अकल ना माने। नहीं समझाओ जी फिर क्यों है? अकल ना माने यही तो कमाल है, यही मौजदा। हाँ, ऐसा पहली मरतबा नहीं हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले, सरकार दो आलम से पहले, यूशा बिन नून ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के खादिम थे और उनके खलीफा थे। हज़रत यूशा बिन नून के जमाने में जिहाद हो रहा, आप जिहाद कर रहे थे, कौम को साथ लेकर जिहाद हो रहा है। जिहाद करते 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 आप उस पर गलबा पाने ही वाले थे कि जुमे रात जुमे का सूरज जो है वो गुरू होने वाला था, और उनके दौर में हफ्ते वाले दिन की हाथ छाए थे। अब सूरज गुरू होता तो मुखालिफ को टाइम मिल जाता संभल लेगा और दुश्मन गालिब आ जाता। यूशा बिन नून ने, तुम कहते हो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले, वक्त रुका कैसे? मौली साहब हमारे लिए कभी नहीं रुका, हमारे अब्बा जी बहुत हो गए फिर कभी नहीं रुका, फुला काम हो गया हमारा कभी नहीं रुका। वो तेरे अब्बा जी की बात थोड़ी है, ये आमना के लाल की बात, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ। यूशा बिन नून ने कहा कि मौला करीम, अगर हमने जिहाद करते करते अभी गुरुदे आफ्ताब के वक्त जिहाद रोक दिया, दुश्मन हमारे साथ चढ़ जाएगा। फतुल बारी के अंदर लिखा है, यूशा बिन नून ने दुआ की, मौला करीम तू सूरज को जरा रोक दे, जब तक जिहाद करके हम पता ना हासिल कर ले दुश्मनों पर, तब तक शाम ना हो। सुभान अल्लाह। यूशा बिन नून के लिए सूरज रुक गया। सुभान अल्लाह। रब तआला फरमाया, रुक जा भाई, ठहर जा ठहर जा। अल्लामा इब्ने इस्लामी रहमतुल्लाह अलैह ने नकल किया, ठहर जा भाई, जब तक ये लड़का फारिग नहीं होता उस वक्त तक डूबना नहीं। यूशा बिन नून के लिए रुक गया और आमना के लाल के लिए वापस आने की बात करो, बोलो तो ही बन गई। तबीयत को नासाज कर देती है तो हदीस ज़ईफ हो जाती है। मैं कभी पता सूरज नहीं कभी पलटा है, वापस पलटा आएगा, परेशान ना हो, ये पलटेगा भी ताकि तुम्हें यकीन हो जाए पलटा है। पूर्वे कयामत पलटेगा ना, सूरज उल्टे पांव पलटे चांद इशारे से होता, अंत नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सूरज पलटा, सरकार गए हैं जमीन आसमान, हरकत रुक गई, हरकत नहीं करनी जब तक मेरा महबूब ना आ जाए। सब कुछ स्टॉप हो जाए, रुक जाए सब कुछ, बस मेरा महबूब आएगा तब चले। उससे पहले हरकत ही नहीं करनी। क्या की हो सकते भाई, करने वाला कौन? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है, वो जो चाहे कर सकता है। मौला अली रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु, आपके बारे में आता है कि आप रुकाब में पांव रखते थे, दूसरी रुकाब में पांव रखने से पहले पहले कुरान पाक पढ़ लिया करते थे। मौली साहब ने ऐसे नहीं मंडी जाते, हमारी जिम्मेदारी मनवाने की नहीं है, आप तफ़सीर रूहुल बयान पढ़िए। इस तरह के बहुत सारे वादे औलिया इकराम के मिलते हैं। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, ये तो बुखारी की रिवायत है भाई, सरकार गए भी फिर आए भी, और कितनी रातें लगी हैं। अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पराबीन पे नजर करें तो 500 साल लग गए जमीन से लेकर पहले आसमान तक पहुंचते पहुंचते, तो फिर सरकार कैसे गए? मौलवी जो नहीं समझ आती हो रोए पा लो तो खाफ चाह गई सब चलो, किसी का अंकल नहीं मानती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब खिड़कियां भी बता दी ना बैतुल मक़द्दस की, सरकार ने शहीद भी बता दी इतने इतने, उन्होंने कहा यार गलत है।
ਕਰਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਗਤ ਮੌਜਦਾ ਮੌਜਦਾ ਨਬੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਲਿਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਮੌਜਦਾ ਕਿਸਕੇ ਲਿਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਸਕੇ ਲਿਏ ਹੋਤਾ ਹੈ ਨਬੀ ਕੀ ਸ਼ਾਨ ਕੇ ਲਿਏ ਆਪ ਕਿਸੀ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਕਿ ਰਸੂਲ ਪਾਕ ਸੱਲ ਸੱਲਮ ਨੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਯੂੰ ਬਾਤ ਬਤਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰ ਦਿਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਤੂੰ ਬਸ ਫੜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਦਾ ਉਸਕੀ ਚਿਹਰੇ ਕੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜਦਾ ਕੋਈ ਅਜੀਬ ਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਦਾ ਭਾਈ ਮੌਜਦਾ ਨਬੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਇਹ ਮੌਜਦਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਕਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਜਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਲੇ ਸਲੀਮ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਐਸਾ ਤੁਝ
प्याला भी सरकार की मिल्कियत था। ये पूरी की पूरी कायनात अल्लाह ताला ने महबूब को कुंजिया दे दी, मालिक बना दिया इसका। आलम के सलाती, दुनिया जहान के बादशाह, आलम के सलाती भिकारी है भिकारी, आलम के सलाती भिकारी है भिकारी, महबूब बनाया तुमने सरकार बनाया, यूसुफ को तेरा Thank you.